हम देश के लिए क्या करना चाहते हैं और फिर हम लोगों को सेलेक्ट इंडिया की इकोनॉमी कैसे ऊपर ले अच्छा अभी आगे के लिए क्या सोचा और स्टार्टअप इंडिया जो आपका सपना है उसको पूरा करना है अपना सपना पूरा करना है 2047 का भारत जो हमें बनना है देश का भला करना है उसमें ही हमें आगे बढ़ना है आप लोग एक काम कर सकते हैं सबके सब लोग परिवार के सब के साथ बैठिए और लिस्ट बनाइए कि सुबह उठते से दूसरे दिन सुबह उठने तक जो चीज़ें उपयोग करते हैं आप वो कहाँ की है हिंदुस्तान की है कि बाहर की है एक बार लिस्ट बनाइए और आप चौंक जाएंगे आपको पता ही नहीं होगा इतनी विदेशी चीज़ें आपके घर में घुस गई और फिर तय करो चलो भाई इस महीने में कौन सी 5 नहीं बंद करो ये 3 बंद करो तब तो ये वोकल फॉर लोकल होगा तो आप लोगों ने अमृत सरोवर देखा क्या आपके शहर के नजदीक के किसी गांव में लोगों ने तालाब बनाए जिसको अमृत सरोवर कहा एक बार देखिए वाटर कंजर्वेशन का काम क्योंकि आप अमृत जनरेशन है ना तो अमृत जनरेशन को पता होना चाहिए लोकल 18 के तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार मेरा नाम उत्पल रंजन है मैं मुजफ्फरपुर ज़िले के मीनापुर प्रखंड के अंतर्गत घुसौत पंचायत का निवासी हूँ मेरे पिता लोकल 18 के तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार मेरा नाम उत्पल रंजन है मैं मुजफ्फरपुर ज़िले के मीनापुर प्रखंड के अंतर्गत घुसौत पंचायत का निवासी हूँ मेरे पिताजी का नाम श्री सत्येंद्र ठाकुर है एवं मेरे माताजी का नाम श्रीमती सीमा ठाकुर है मुझे हाल में ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ जिसमें केवल पूरे भारत से केवल 36 बच्चों का चयन हुआ था उसमें से मुझे भी प्रतिभागी के रूप में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त हुआ बीते कुछ महीनों में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय एवं मेटा इंडिया के द्वारा अमृत जनरेशन नए भारत के सपने कैंपेन की पहल की गई थी जिसमें कि मेरा चयन हुआ था उस चयन के बाद हमें दिल्ली इनवाइट किया गया और ये प्रोग्राम 8 अगस्त से लेके 11 अगस्त तक चला इसमें हमें प्रधानमंत्री संग्रहालय राष्ट्रपति भवन पार्लियामेंट में तमाम प्रदेश के एमपी से बातचीत करने का मौका मिला उनके साथ अपने इंडिया को लेकर अपने आइडियाज़ शेयर करने का मौका मिला उसके बाद हमें संसदीय कार्रवाई देखने का भी मौका मिला जहाँ से हमें सीखा कि हमारे देश के तमाम एमपी कैसे हमारे देश को रिप्रेजेंट करते हैं पार्लियामेंट के अंदर से उसके बाद हमें आदरणीय लोकसभा स्पीकर श्री ओम बिरला सर जी से भी मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ हमने फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल उनसे भी मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ स्मृति ईरानी मैम से भी मिलने का अवसर प्राप्त हुआ उसके तमाम मेटा के ऑफिसर मिनिस्टर के ऑफिसर से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला उनके साथ हमने अपने एक्सचेंज व्यू एक्सचेंज किए वहाँ से हमने बहुत कुछ सीखा कैसे इंडिया के ग्रोथ में हमारे नए जनरेशन अमृत जनरेशन के यूथ कैसे अपना योगदान दे रहे हैं और कैसे इस देश का भारत देश का कैसे ग्रोथ होगा वहाँ से हमने बहुत कुछ सीखा इसके लिए मैं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय एवं मेटा इंडिया के तमाम वरिष्ठ अधिकारी का बहुत बहुत आभारी हूँ धन्यवाद